दोस्तों, तो आज के इस प्रोग्राम में हम 1 2 3 का ही एक ट्रायंगल प्रिंट करेंगे जिसका कुछ पैटर्न इस तरह का होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक पैटर्न है, हमें इसको प्रिंट करना है। ठीक है, जैसे कि मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि हमें अपने जब भी हमें कोई पैटर्न प्रिंट करना होता है तो हम उसको सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम पैटर्न को भी अपने सेक्शंस में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले आप ये बात नोट कीजिए, सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ रोज चाहिए होंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ रोज तक यूज़र अपना ये जो ट्राइंगल है वो प्रिंट करवाना चाहता है। ठीक है, एक तो ये वाली हम लूप लगाएंगे, अगर यूज़र 5 एंटर करेगा तो ये 5 नंबर ऑफ रोज तक ये ट्राइंगल प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद मैं सेक्शन दूसरा जो है उसमें मैं देखता हूँ कि एक मुझे स्पेसिस का एक ट्राइंगल प्रिंट करना होगा जो रिवर्स में होगा। ठीक है, एक तो ये इस स्पेसिस प्रिंट करने के लिए, ट्राइंगल प्रिंट करने के लिए मुझे एक और लूप चाहिए होगी। ठीक है, अब मुझे एक तीसरा एक पैटर्न जो बन रहा है वो ये है हमारा ट्राइंगल, जो कि मुझे यहाँ पर अपना ओरिजिनल जो मेजर हमारा टास्क है। ठीक है, तो यहाँ पर एक 3 सेक्शंस में मैंने डिवाइड कर दिया, एक लूप चाहिए नंबर ऑफ रोज के लिए, एक लूप चाहिए मुझे नंबर ऑफ स्पेसिस के लिए, एक लूप चाहिए मुझे हमारा ट्राइंगल प्रिंट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब मुझे दो को कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा जो नंबर ऑफ यहाँ पर दिखाएगा कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहली आप रो में देखें सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट है, दूसरी रो में देखें 3 डिजिट, उसके बाद 5 डिजिट्स, फिर 7, फिर 9, 2 2 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। ठीक है, पहली रो में सिर्फ 1 था, उसके बाद 2 इंक्रीमेंट हो गया, तो उसके बाद मुझे 3 डिजिट्स प्रिंट करने हैं, फिर मुझे 5, फिर 7। इसके लिए मुझे एक और वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें मैं 2 का प्लस करता जाऊंगा। ठीक है, तो अपना अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़र से पूछ लेता हूं कि इंट एन नंबर ऑफ रोज कितनी वो एंटर करना चाहता है। ठीक है, प्रॉम्प्ट लाइन शो करते हैं, एंटर नंबर ऑफ रोज कितने तक वो प्रिंट करवाना चाहता है। सी इन एन करते हैं, सी आउट एंड एल करते हैं, और उसके बाद हम पूछते हैं स्पेसिस प्रिंट, मुझे आउटर लूप चाहिए होगी। इंट आई इज इक्वल टू एन करते हैं और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, आई में एक डिक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, एक लूप तो हमारी हो गई। ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये आउटर लूप है। सबसे पहले मैं आप लोग बताया ना, ये एक आउटर लूप लिखा है कितने नंबर ऑफ रोज तक हमारा ट्राइंगल प्रिंट होगा, तो ये उसके लिए लूप हो गई। ठीक है, अब मुझे एक और लूप चाहिए होगी जो हमारी स्पेसिस प्रिंट करेगी। इंट जे इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं, और जे इज लेस देन इक्वल टू आई, और जे में एक इंक्रीमेंट, और यहाँ पर ये हमारी स्पेसेस प्रिंट करता जाएगा। एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है, ताकि शॉर्ट काम रहेगा। ठीक है, अब हमारी स्पेसेस भी प्रिंट हो गई और नंबर ऑफ लूप्स का भी काम हो गया, 2 लूप्स हो गई। अब मुझे एक और लूप चाहिए जो हमारा ट्राइंगल प्रिंट करेगा। ठीक है, उस लूप के लिए मैं क्या करूँगा, एक लूप लिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, इसमें मुझे एक और बात जो मैंने आपको बताई थी कि मुझे 2 2 का इंक्रीमेंट भी करना है। ठीक है, पहले अगर नंबर ऑफ रोज जितनी है उसमें +2 इंक्रीमेंट भी करते जाना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा। मैं आओ बाहर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट एन ओ के नाम से रख लेते हैं, और स्टार्ट हम करते हैं 1 से। ये 1 प्रिंट करता जाएगा, नंबर प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, अब मैं 0 से क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे 0 से अपना ट्राइंगल स्टार्ट नहीं करना, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से अपना ट्राइंगल स्टार्ट करना है। तो एल इज़ इक्वल टू 1 रखते हैं, एल इज़ लेस देन इक्वल टू नंबर करते हैं, और एल में एक इंक्रीमेंट करते हैं, और हम प्रिंट करते जाएंगे सी आउट एल। ठीक है, और बाहर हम ऐसा करते हैं, एंड लाइन करते हैं, और नंबर इज इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ना मिस्टेक्स कर देते हैं, वो क्या करते हैं एन ओ इज प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्लस प्लस हमेशा जो है एक इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, और माइनस माइनस जो है वो एक डिक्रीमेंट करता है। ठीक है, 1 माइनस या 1 प्लस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट चाहिए, क्योंकि हर रो में हम देख रहे थे 2 डिजिट जो डिजिट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे थे, तो मुझे एन इज एन ओ इज इक्वल टू एन ओ प्लस 2 करना होगा। ठीक है, प्रोग्राम हमारा क्रिएट हो चुका है, तो हम इसको अब रन करके देखते हैं। आई इज़ लेस देन, यहाँ पर आना था लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, कंसोल हमारे पास शो हो रहा है। ओके, वो मुझसे नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं 5 एंटर कर देता हूँ। अब ये देखिए, इसने मुझे ट्राइंगल प्रिंट कर दिया। अब इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, सबसे पहले ये मुझे स्पेसिस का भी एक ट्राइंगल प्रिंट करके दे रहा है, और मुझे मेरा वाला प्रॉपर ट्राइंगल भी प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस में। अब मुझे ये मैंने ये कैसे किया, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने यूज़र से पूछा एंटर नंबर ऑफ रोज, वो कितनी नंबर ऑफ रोज तक प्रिंट करवाना चाहता है अपना ट्राइंगल। ठीक है, उसमें मैंने स्टोर कर दिया एन में। ठीक है, आई फिर हमने एक आउटर लूप लगानी है, आई इज़ इक्वल टू 5, मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने एंटर किया था। ठीक है, 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब ये 5 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगी।
ठीक है, 5 नंबर ऑफ रोज तक मैंने करना है ना। उसके बाद में हम इनर लूप में आते हैं और ये हमारा स्पेसिस प्रिंट करेगा। सबसे पहले आई जे इज इक्वल टू 1 है और जे इज लेस देन इक्वल टू मैंने लिखा है आई। इसका क्या मतलब है, जे में क्या है 1, लेस देन इक्वल टू आई में वैल्यूज क्या है 5, यानी कि ये 5 स्पेसिस प्रिंट करेगा। ठीक है, जब तक ये 5 स्पेसिस प्रिंटिंग कर देता है ये लूप चलती रहेगी। उसके बाद ये दूसरी लूप में आएगा और यहाँ पर ये नंबर प्रिंट करेगा। नंबर ये कैसे प्रिंट करेगा, एल इज इक्वल टू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू नंबर। नंबर क्या है हमारी, नंबर ऑफ रोज वो क्या है 5। ठीक है, नंबर ये नंबर सच हमारा 1 है, नंबर हमारा 1 है क्योंकि हमने 1 प्रिंट करना है ना, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, ये 1 प्रिंट करेगा। पहली रो कंप्लीट हुई, एंड लेल करेगा और नंबर में 2 इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, अब हम दोबारा से लूप चलाएंगे। अब आई की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट हो चुका है, अब आई की वैल्यू हो चुकी है 4। ठीक है, अब ये इनर लूप में आएगा और देखेगा जे इज लेस देन इक्वल टू आई, जे में क्या है 1 और आई में क्या है 4। ठीक है, यानी अब ये 4 टाइम्स स्पेस प्रिंट करेगा। ठीक है, और उसके बाद अगली लूप में आएगा, एल में क्या है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू, अब ये देखिए यहाँ पर हमने एन में 2 इंक्रीमेंट किया था, यानी अब एन की वैल्यू हो चुकी है 3। ठीक है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब है 3 टाइम्स ये एग्जीक्यूट हो गई है बॉडी इसकी फोर लूप की। ठीक है, एल प्रिंट होगा सबसे पहले 1, उसके बाद दोबारा से एल में इंक्रीमेंट होगा 2, 2 इज लेस देन, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, अब यहाँ पर 2 प्रिंट करेगा, फिर दोबारा से ये 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, फिर ये एल प्रिंट कर देगा 3। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा, फिर एन लाइन होगी और दोबारा से एन ओ में इंक्रीमेंट होगा और अब 5 आ जाएगी, फिर ये 5 के लिए करेगा, फिर उसके बाद 7, फिर 9, जिस तरह जितनी आप नंबर ऑफ लूप्स एंटर करते जाएंगे उस तरह ये करता जाएगा ट्राइंगल प्रिंट। ठीक है, तो इस तरह ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का ये हमने जो पैटर्न था ये हमने प्रिंट करवा लिया। आपने ये बात याद रखनी है, 3 सेक्शंस में मैंने इस प्रोग्राम को डिवाइड किया है, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज, उसके बाद नंबर ऑफ स्पेसेस, उसके बाद हमारा ट्राइंगल और एक वेरिएबल जो कि हेल्प आउट करेगा हमें नंबर ऑफ रोज जितनी में नंबर एक नंबर ऑफ रोज में जितना भी कोई डिजिट्स आ रहे हैं उनको प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना लगी हो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।